तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMD एडिटोग्राफी। तो गाइस, इस बार हम NSP पिक्चर की फ़ोटो को हम करने वाले हैं एडिटिंग। तो गाइस, मैं सबसे पहले ऐड करूँगा अपनी वो फ़ोटो जिसका मैंने बैकग्राउंड इरेज किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड इरेज वाली फ़ोटो को करता हूँ ऐड। और गाइस, आपको जानना है कि मैंने इसका बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करा, तो गाइस आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई, हमें इस वाले बैकग्राउंड किस रिम हो गया वो जानना है। सबसे पहले गाइस, मैं फ़ोटो को करता हूँ सेट। सेट करने के बाद थोड़ा मेरे को नीचे वाला पार्ट है तो वहाँ पे मैं इसको कुछ अलग दिख रहा है। तो मैं आप सबसे पहले इरेज के ऑप्शन में जाऊँगा। इरेज के जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ पार्ट को इरेज करूँगा, जो कि मैंने जब मैंने भी इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था तब थोड़ा मैंने मिस्टेक की थी। तो सबसे पहले मैं इसको कुछ पार्ट को इरेज कर देता हूँ। देख पा रहे हो गाइस कि थोड़ा मैंने बैकग्राउंड इसका थोड़ा मैंने शेडो। तो गाइस, इस वाले फोटो में मैं बिना शेडो बनाए कुछ भी नहीं बनाने वाला। इस वाले में मैं नॉर्मली पिक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा कुछ पार्ट रह चुका है तो मैं उसको भी इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस कुछ मेरे को ऊपर वाले पार्ट दिख रहा है तो उसको भी मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने फोटो को कर लिया है सेट। यहाँ से करता हूँ गाइस डन। डन करने के बाद सबसे पहले मैं इस फोटो को करूँगा गाइस Lightroom एप्लीकेशन में ऐड। तो गाइस, मैंने कर लेंस वाली फ़ोटो को Lightroom एप्लीकेशन में ऐड। ऐड करने के गाइस सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना है वही वाला आप ऑप्शन जो कि आपका है। तो सबसे पहले आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले के बारे में तो गाइस, उसके थोड़े वाले एक्सपोजर हम बढ़ा देंगे। उसके बाद में गाइस का कंटेंट्स थोड़ा बढ़ाएंगे। उसके बाद में हाईलाइट शेडो एंड वाइट ब्लैक तीनों गाइस हम डाउन कर देंगे। उसके बाद चलते हैं गाइस कलर में। कलर में जाने के बाद सबसे पहले कलर में गाइस फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम करते हैं जैसे डाउन। सेकेंड वाले ऑप्शन पर चलते गए, सेकेंड वाले ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को कहें सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम जैसे डाउन करते हैं तो यहाँ पे बाइक का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रेड दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले सेकेंड वाले ऑप्शन को गाइस बिल्कुल बहुत ही कम इसको मैं चेंजेस करूँगा, जिससे क्योंकि अगर भाई मैं इसकी चेंजेस करता हूँ तो बाइक का जो बैकग्राउंड है एंड बाइक का जो फेस है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस वाले को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद मैं चलते हैं गाइस थर्ड वाले ऑप्शन पर। थर्ड वाले ऑप्शन जाने के बाद सबसे पहले गाइस मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन होंगे सबको मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि किस तरह काम करता है। तो गाइस, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखे तो मैं गाइस किसी को भी चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद में गाइस फोर वाला है तो उसको मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर गाइस चेंज होता है। वैसे आप स्काई का जो आप कलर देख पा रहे हो वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, जो पहले की मुकाबले अच्छा दिख रहा है। गाइस मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। उसके ज़्यादा मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो है नहीं कपड़े पहन रखे तो थोड़े वो डार्क दिखे, इसलिए गाइस मैं इनको डार्क कर दूँगा। तो यहाँ से गाइस मैंने कर दिया बाइक के कपड़ों का स्काई को बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि मैं वेगनेट्स को एंड मिड पॉइंट को गाइस मैं डाउन करता हूँ। मिड पॉइंट को गाइस हमेशा मैं बिल्कुल लो रखता हूँ। उसके बाद में गाइस आपको चलना है सेकेंड वाले ऑप्शन में। सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको बढ़ा देना है नॉइस रेजोल्यूशन, आपको गाइस बढ़ा देना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा फेस बिल्कुल स्मूथली हो जाए, अगर आप ऑटो डिस्क इसकी आपका ऐप का एप्लीकेशन का आप यूज नहीं करते हैं तो गाइस आप नॉइस रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी रेजोल्यूशन बढ़ाऊँगा नॉइस रेजोल्यूशन, क्योंकि मेरे फोटो बहुत ही पहले ही क्रिएटिव हुए हैं तो मैं इसकी ज़्यादा नॉइस रेजोल्यूशन में बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो कि गाइस ये वाली फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। आप भाई के इंस्टाग्राम पे जाके गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो आप वहाँ पे जाके ये वाली फ़ोटो इजीली देख सकते हो। तो हे गाइस, मैं आपका भाई जेम्स एडिटिंग। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो कर दिए लाइक। अगर गाइस आपको जानना है कि इस वाली वीडियो का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किस तरह किया है तो गाइस करिए हमें वीडियो में कमेंट। गाइस मैं जल्दी बनाऊंगा इस वाले वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव का वीडियो।
तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस टेक